तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मामा जी। नाग तू आ गया बेटा, बड़ी हिम्मत किया तुमने। अकेले आ गया, कोई साथ में नहीं आया, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं मामा जी। ठीक है घर चलो। मामी मामी। अरे नागेश बेटा कैसे हो? अच्छे हो? माँ बाबूजी ठीक है? अरे बहुत चिंता में थी मैं, कोई खबर नहीं मिल रहा था तुम लोगों का, कुछ भी खबर नहीं। अभी ठीक है माँ बाबूजी? ठीक है, पिताजी भी ठीक है और माँ भी ठीक है। घर तो माँ की सास का है, इसीलिए हिम्मत करके अकेला चला आया। अरे हिम्मत की तुझ में क्या कमी होगी, नाग देवता की कृपा से तो पैदा हुआ है। इनको खबर किसने दिया? किसी ने नहीं दिया, फिर भी आ गई। चिरंजीवी रहो, मैंने ही तुम्हारी माँ को कहा था कि वो नाग देवता का व्रत रखे, उसके बाद ही तो तुम पैदा हुए। खुश रहो बेटा, चार लोगों को उपकार करो, दुनिया में अपना नाम रोशन करो, तुम्हारे किसी बात की चिंता मत करो, यहाँ रहकर नाग देवता की सेवा करो। नानी नानी हम लोग मंदिर कब चलेंगे? और नाग देवता तुम्हारे माँ की रक्षा करेंगे। तुम्हारी माँ ने कुछ भेजा नहीं? हाँ भेजा है ना, लाया हूँ। नागेश गाँव में कभी तुम्हें मेरी याद आती थी? हाँ हाँ आती थी। सच में? सच में। अच्छा तो गांव से मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी लेकर नहीं आया। तुम्हें तो मैं पसंद ही नहीं हूँ। देखो कितनी जल्दी नाराज हो गई, तुम अपनी आंखें बंद कर लो फिर दिखाता हूँ। ठीक है। ये तुम्हारे लंबे बालों के लिए क्लिप लेकर आया। नागराज का क्लिप कितना सुंदर है। नागेश मैं अभी कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रही हो। नागेश तुम मेरे मामा के बेटे हो ना? हाँ। और मैं तुम्हारे मामा की बेटी हूँ है ना? हाँ। हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना? इसके लिए हम दोनों शादी कर ले। मैं मामी को सब बता दूंगा। बता दो, मैं भी बता दूंगी कि नागेश ने मेरे लिए क्या लाए। क्या क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नानी आप कह रही है कि मैं नागराज की महिमा से पैदा हुआ हूँ, फिर मुझे नागराज ओम नागराज बोलना चाहिए, फिर ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय क्यों? अच्छा पॉइंट। वो क्या है ना बेटा, नागराजा शिव के गले का हार है, शिव का नाम लेने से शिव भी खुश और नागराज भी खुश। भगवान से सच्चे दिल से कुछ भी मांगो, भगवान सबकी मुराद पूरी करते हैं। तुम ये सारी बातें सोचना छोड़कर सिर्फ ये बोलते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे भगवान, सिर्फ तुम ही हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो अब चलो। नानी क्या मैं भी ओम नमः शिवाय बोल सकती हूँ? हाँ बेटी बोलो। लड़की भगवान का नाम ना ले ऐसा किसने कहा? तुम भी बोलो बेटी ओम नमः शिवाय। हरि नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज के जमाने में जहाँ लोग सांप को मारकर उसका बिजनेस करते हैं, वहाँ आप लोग चांदी का सांप लेकर उसकी पूजा करने आए हो? ये लो स्वामी के माथे पर रखो। हाँ बेटा पूजा करो। ये नारियल तोड़ने के लिए दो। शुभम भवतु, अब तुम्हारे मन में जो भी विचार हो उसे कहो। अरे इतना भारी सांप! हे शिवा, हे शिवा, हे शिवा। ये साधारण सांप नहीं, ये नाग देवता है, इन्हीं की कृपा से तुम पैदा हुए हो। तुम हाथ जोड़ो बेटा, पूजा करो इनकी। काम करो देवता को, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा सांप नहीं देखा। हे नाग देवता सबको खुश रखो। नानी
मुझे नागराज के पांच सिर दिख रहे, पांच सिर। कहाँ बेटे, मुझे तो सिर्फ एक ही सिर नजर आ रहा है। आज मैं कितनी खुश हो गई इनको देखकर। एक ही तो सिर है नागेश। हाँ, कहाँ पांच सिर हैं? नानी तुम्हें नहीं दिख रहा है, लीला तुम्हें नहीं दिख रहा है, पंडित जी आपको नहीं दिख रहा है? हाँ, एक ही सिर तो है। मगर मुझे नागराज के पांच सिर दिखाई दे रहे, पांच सिर। इस लड़के को भक्ति का ज्यादा भूत सवार है, पानी डालो सब ठीक हो जाएगा। या क्या कह रहे हो, नाग देवता की महिमा से ही तो हमारा बच्चा पैदा हुआ है, भक्ति का भ्रम इसको नहीं आपको हो रहा है। चलो बेटा आओ, बेटा आओ। साहब बोले तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं क्या बताऊँ, इतना बड़ा सांप मैंने आज तक नहीं देखा है। हे नाग देवता, मुझे दर्शन नहीं दे सकते, मैं आपका भक्त नहीं हूँ। कहाँ गए, अरे कहाँ चले गए? नानी ये देखो, लीला ये देखो, वो पांच सिर वाला नाग यहाँ भी चलकर आ गया। ना बेटा, इस नाग के पांच सिर नहीं है, गलत देख रही हो बेटा, इस नाग को तो एक ही सिर है नागेश। मगर लीला मुझे इसमें पांच सिर नजर आ रहे हैं, पांच सिर लीला। अभी मुझे मालूम पड़ा, नागेश लगता है कि इनको तुमसे कुछ काम होगा, ये तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें अपना असली रूप दिखा रहे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे नानी? बेटा हम इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये देवता है, हम सिर्फ इनकी भक्ति कर सकते हैं। नागराज मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो आप मुझे अपने पूरे रूप में दिखाई दे रहे हैं। मैं आपकी पूजा कैसे करूँ नाग देवता, आप मुझे बताइए, बताइए ना। नागेश नागेश, नाग देवता चले गए। ना बेटा, वो तो मनमर्जी मालिक है, दिखाई देता है और नहीं भी देता है। चलो ये क्या कर रहे हो नागराज, तुम्हें इधर नहीं आना चाहिए, तुम इस तरह आवाज मत दो, अगर मामा मामी तुम्हें देखेंगे तो डर जाएंगे। तुम अच्छे हो ना नागराज, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ नागराज। हाय नागराज, गुड नाइट नागराज। चलो अब चलते हैं। हाँ ए, पहले मैं टावर से पूछूंगी। ना ना, मैं पहले। अच्छा तुम पहले पूछ लो, तुम इतनी भीगे हुए हो, अगर तुम्हें सर्दी लग जाएगी तो तुम्हारी माँ मुझे आकर यहाँ डांटेगी, मुझे नहीं सुनना है। नागेश वो मेरे नागराज का क्लिप लगते है पानी में रह गया। ए ए ए लीला परेशान मत हो, मैं गांव से तुम्हारे लिए ऐसे 10 क्लिप भेज दूंगा, बस अब खुश। नहीं नागेश, वो क्लिप मेरे लिए तुम ही थे। लीला तुम बहुत समझदार हो, वो क्लिप खो गया तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारे सामने, इतनी छोटी सी बात है। नहीं मुझे वही क्लिप चाहिए। इतना छोटा सा क्लिप इतने पानी में, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? अरे वो देखो नागराज। तुम्हारा नागराज आने से क्या वो क्लिप मुझे मिल जाएगा? ऐसा नहीं है लीला, कल रात को जब मैं सोया था तो नागराज मेरे कमरे में आया था, मैं जाने के लिए कहा तो चला गया, हर बात समझता है। नागराज नागराज पानी में क्लिप खो गया है। Thank you.
देखा तुम्हारा क्लिप खो गया था ना, नागराज लेकर आ गया। नागराज तुम बहुत अच्छे हो, नागेश की जिस तरह से मदद करते हो उसी तरह से मेरा भी मदद करोगे ना। गौरी खाओ बेटा, क्यों नहीं खा रही हो, खाओ खाओ। हाँ? दादी दादी देखो मेरी गौरी को सांप ने काट लिया है। हे नाग देवता, ये आपने क्या किया, मेरी गौरी को मार दिया। देख लिया दादी, तू हमेशा पूजा पाठ करती रहती हो, देख लिया क्या किया तुम्हारे भगवान ने। दादी दादी आज के बाद इस घर में या तो मैं रहूंगा या तुम्हारा भगवान, आज के बाद इस घर में कोई पूजा नहीं होगी। ये सब भगवान शिव की महिमा है, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसमें जरूर उनका कोई कारण होगा। तुम अपने नाग देवता से कहो जिस तरह से उसने मेरी गौरी को काटा है मुझे काट कर जाए, मैं भी देखता हूँ। आज से इस घर में इसकी पूजा नहीं होगी, मैं भी देखता हूँ। नागेश बेटा ये नाग की मूर्ति तुम ही उठा कर दे दो बेटा। नहीं नहीं नहीं, इसे मत उठाओ, इसकी पूजा कर रहे हो, इसने मेरी गौरी को काटा और तुम इसकी पूजा कर रही हो, अब मैं देखता हूँ कैसे पूजा करती हो। ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो। क्या कर रहे हो कृपाला, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे नागराज ने मेरी गौरी को काट दिया। नानी ये क्या कह रहा है, हे आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ये देखो कैसे मर गई मेरी गौरी, देखो। नहीं मेरा नागराज ऐसा नहीं कर सकता। लीला देखो मेरा नागराज यहाँ आ गया, इसने मेरी गौरी को मारा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं देखता हूँ ये कैसे भाग जाता है। छोड़ो, अरे मैं इसे आज मारूंगा। अरे छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो मुझे, मत करो, मैं उसे मार करूंगा। मेरी गौरी को इसने मारा है, छोड़ो मुझे, मारो ना, छोड़ो, ऐसा मत करो। गलती किसी और ने की और इल्जाम तुम्हारे सर आया है, अब इसको बचाना तुम्हारा काम है। तुम इसे काट कर इसके शरीर में जहर भर सकते हो, तो इसके शरीर से जहर नहीं निकाल सकते। तुम इसे जिंदा कर दो नागराज, जिस तरह से तुमने अपना गुस्सा दिखाया है, अब करिश्मा दिखाओ नागराज। तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई गौरी? मिट्टी मत डालो, मिट्टी मत डालो, मेरा नागराज आ रहा है। तू भी ओम नमः शिवाय बोल ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे नागराज तुम्हारी महिमा परंपार है। अरे किताबों में पढ़ा था कुछ लोग नाग के जहर निकालकर बिजनेस करते हैं, मगर आज आपने दिखा दिया भक्ति की वजह से क्या हो सकता है।
सा दूध देता हूँ, फल रखता हूँ, फूलों से सजाता हूँ, सेवा करता हूँ। हाथ जोड़ू मैं नागराजा, दया दिखाओ नागराजा। दूध देता हूँ, फल रखता हूँ, फूलों से सजाता हूँ, सेवा करती हूँ। हाथ जोड़ू मैं नागराजा, दया दिखाओ नागराजा। तुम्हारी बात सुनकर लग रहा है कि जैसे मैं किसी ग्रंथ की बात सुन रही हूँ। माँ, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है ना? मेरे नागराज ने एक करिश्मा कर दिखाया है। कुछ दिनों बाद लीला यहाँ रहने आ जाएगी ना, तो आप उसे पूछ लेना। नाग देवता भगवान है, भगवान से इतना लगाव, इतना अपनापन ठीक नहीं है, बाद में इसको तकलीफ होगा। आप इतनी चिंता मत करो पिताजी, हमें कुछ भी तकलीफ होगी तो अपने पीछे नागराज खड़ा है ना। Come on!
थैंक यू सर। वेल, हमारे राजनेता कहते हैं वन की रक्षा करो और साथ साथ जंगलों में रहने वाले पशु पक्षियों की भी हिफाजत करो। दुर्भाग्य से कुछ स्वार्थी लोग जानवरों को मारते हैं और उनका चमड़ा विदेशों में बेच देते हैं। हम लोगों का इन जानवरों की जान बचाना और इनकी हिफाजत करना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। मगर गाँव में जो किसान रहते हैं उन्हें सांप से कोई परेशानी नहीं है, जहां तक से फायदा है चूहे सांप के डर से खेत में नहीं आते। अगर हम लोगों ने इसके बारे में कुछ नहीं किया तो इनका वंश ही खत्म हो जाएगा। गैर कानूनी धंधों की वजह से धीरे धीरे नागों की संख्या कम होती जा रही है। अगर हम लोग जल्दी से जल्दी इन शिकारियों को नहीं रोकेंगे तो ये शिकारी सारे बाघ खत्म कर देंगे। यस हेलो सर, इंस्पेक्टर भार्गव ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था वो लॉकअप तोड़ के भाग गए। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, ये कैसे मुमकिन है? तुमने क्या कदम उठाए हैं? सर हम उनका पीछा कर रहे हैं। ओके मिस्टर भार्गव, कल आपने जिन लोगों को गिरफ्तार किया था वो लॉकअप से भाग गए हैं। हाँ हाँ, हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को वो चकमा देकर भाग गए हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे डिपार्टमेंट को कोई धोखा नहीं दे सकता। इसके पीछे बहुत बड़ा गैंग है, वो कुछ भी कर सकते हैं। यस मिस्टर भार्गव, कुछ ऐसे गैंग हैं तो जंगल में जाकर नागों को पकड़ते हैं और उनकी खालों को विदेशों में भेजते हैं। हमें इस गैंग को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाना होगा। इस ऑपरेशन के लिए हमें किसे डिप्यूट करना चाहिए? मिस्टर भार्गव इज सुटेबल पर्सन सर। यस सर। मिस्टर भार्गव। यस सर। इस ऑपरेशन में हमारा पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट और पर्यावरण विभाग आपको संपूर्ण सहयोग देगा। ये लीजिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। देखो देखो सांप का खेल देखो, ये है काला नाग। अरे भाइयों, ये है सिल्वर नाग पांच मुंह वाला। ये है सफेद नाग, ये है पांच मुंह वाला नाग। सांप का खेल देखो, ये सांप का खेल देखो, ये है सिल्वर नाग, ये सिल्वर नाग, सिल्वर नाग, सिल्वर नाग। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, दोबारा इन राक्षसों के हाथ मत आना। गुड बाय। आप लोगों के जो आदमी है वो जरा हमारे साथ। यहाँ सब जितने लोग हैं सब आदमी है। ओए सांप के बच्चे चुप। नहीं, आप लोगों में जो सबसे ज्यादा हिम्मत वाला है वो सामने। मैं आता हूँ। ओए ओए ओए, तुम जरा ऊपर हाथ लगाओ तो तुमको लड्डू मिलेगा। लड्डू लड्डू ओला ओला ला 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 ला। ये देखो। अरे 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 सांप लेकर भाग गया बंगला। अरे बंगला, मेरा प्यारा प्यारा सांप गया, सब चला गया। मेरा काम क्या था? लोगों को सांप का खेल दिखाकर अपना पेट और अपने परिवार वालों का पेट भरता और अपने शराब का भी इंतजाम हो जाता। अरे चुप, ये सब कुछ हमारे साथ ही नहीं हुआ है, और भी कई लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है। इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ और बात है। हाँ, अभी तुम लोग चुप रहो, मैं तुम लोगों को एक बड़ा प्लान बताता हूँ। हम लोग जंगल से विष वाले सांप पकड़ के लाएंगे, फिर खेल दिखाएंगे। वो लड़का आएगा, सांप को पकड़ेंगे, फिर उसे पता चलेगा और फिर हम उसको बताऊंगा, मारूंगा, फिर भगाऊंगा।
अरे अब्बा स्वामी वो सांप दिखाओ ना। अयो तो फिकर काय को करता है, दिखाना इसको सांप। अरे अरे ये देखो बिच वाला सांप है। हाँ, देखो देखो ये विष वाला सांप है। देखो इसमें कितना, अरे ये देखो कितना खतरनाक है। हाँ बहुत ज्यादा है, इसके दांत भी है। ये आएगा जाएगा काटेगा खाएगा। ऐसे सांप को पकड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। देखो इस सांप को, देखो पकड़ेगा, देखो मर्द कहलाएगा। मेरी बात सुनो, इसे मत मारो, मैं इसे बचाऊंगा। अरे अरे ये देखो, पकड़ा अरे सांप लेकर भाग गया। अरे ये लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे बेटे? मैंने उनके पेट पर लात मारा, इसीलिए वो मुझे मार रहे हैं। क्यों? ये लोग जंगल से सांप पकड़ कर लाते हैं, लोगों को सांप का खेल दिखाकर अपना पेट भरते हैं, सांप को बहुत तकलीफ देते हैं। ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता सर। अच्छा सपेरे लोग? हाँ सर। अच्छा बेटे तुम इधर कहाँ रहते हो और क्या करते हो? चलो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। नाग देवता होते हैं ये तुम्हें किसने बताया? मेरे मम्मी डैडी कहते हैं कि मैं नाग देवता की कृपा से पैदा हुआ हूँ। और इतना ही नहीं, मेरे नाग देवता मेरे घर पर भी आते हैं। मैं उनसे जो भी कहता हूँ वो मेरी बात सुनते हैं। हाँ, अच्छा तो क्या आपको सच नहीं लगता? ये तो मुझे किस किताब की कहानी सुना रहे हो बेटे? ये किसी बुक की कहानी नहीं, ये मेरी अपनी कहानी है सर, ये रियल कहानी है। तुमने अपना नाम क्या बताया था? हाँ? नागेश। बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा बेटा। एक बात बताओ बेटा, हमारे देश के जंगलों में जहाँ नाग पाए जाते हैं वहाँ कुछ नीच लोग भी रहते हैं जो नाग को पकड़ कर उसका बिजनेस करते हैं। नाग का चमड़ा उसका विष निकाल कर बाहर के देश में सप्लाई करते हैं। इस धंधे को रोकने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है और आज ही मैंने ड्यूटी ज्वाइन की है। नागेश, ओ नागेश। हाँ? कहाँ खो गए तुम? सर आपकी इतनी सारी बातें सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वेरी सेंसिटिव बॉय। एक्सक्यूज मी सर। हाँ? आप कौन है जान सकता हूँ? मैं इंस्पेक्टर भार्गव हूँ। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ बोलो बेटे। सर आप जिस काम के लिए यहाँ आए हो आप मुझे उसमें इन्वॉल्व करो। गुड जॉब। किस क्लास में हो? सिक्स क्लास में। तुम खूब मन लगा कर पढ़ो, आईपीएस की तैयारी करो, फिर मेरी जगह पे काम करना, समझ गए? रुको सर मेरा घर आ गया। यहाँ रहते हो? बाय। अरे अरे एक मिनट। बाय बाय। नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, अभी तक सो रहे हो? उठो कुछ काम करो। क्या करूं, क्या शिवरात्रि है। ओ शिवाय। शुभवस्तु। बोलो क्या सेवा करूं? मंडल सेवा, रक्षा सेवा, क्या सेवा करूं? लगता है इस मंदिर में रोज पूजा नहीं होती है। गांव ठीक हो तो लोग पूजा करने आते हैं, गांव ही ठीक नहीं तो कौन पूजा करेगा। आप कौन हो? शुभवस्तु, शुभवस्तु, कहाँ से चले आ रहे हो? हैं? इधर कहाँ से चले आए बताइए ना। इधर मैं पंछियों के बारे में, मेरा मतलब परीक्षण करने आया हूँ। यहाँ पर जितने भी पंछी रहते हैं उनका ब्यौरा सरकार को देना है मुझे। पक्षियों के बारे में? हैं? पक्षियों के बारे में? शुभवस्तु, आप यहाँ सपेरों के जंगल में क्या करने आए हैं? इस जंगल में पक्षी कहाँ है जो थोड़े बहुत थे उन्हें सांप निकल गए हैं? आप यहाँ पे क्या परीक्षण करेंगे? पहले बहुत लोग पूजा करने आते थे मगर अब कोई नहीं आता यहाँ पूजा करने। आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं यहाँ पर सब कुछ सुनकर ही आया हूँ मगर आप
इतने बड़े जंगल में अकेले रहते हो क्या? मगर अब यहाँ कोई नहीं आता। पहले जो भी आता था पूजा करने आता था, लेकिन अब कोई नहीं आता। मेरा एक भाई था, उसे पक्षी देखने का बड़ा शौक था। वो पक्षियों को देखने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गया। कहाँ होगा वो? आज 15 साल हो गए वो वापस नहीं आया। पता नहीं वो जिंदा है कि कहीं चला गया। पंडित जी, हाँ चलो मंगल आरती करते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं करूँगा। सुनिए, मंगल आरती के लिए 10 रुपया, कुमकुम आरती के लिए 15 रुपया, सहस्त्र नाम के लिए 25 रुपया लगेगा, पंचामृत के लिए, पंचांग गाया के लिए 101 रुपया लगेगा। हाँ अब आप बताइए आपको क्या क्या करना है, कोई एक करना है या सब करना है? अब आप बताइए ना। मुझे कुछ नहीं करना है स्वामी, मुझे तीर्थ दे दो। प्रसाद चाहिए? प्रसाद के लिए भी तुम्हें दक्षिणा देना पड़ेगा। अगर दक्षिणा देकर प्रसाद लोगे तो शुद्ध है कि नहीं व्यर्थ है। अच्छा मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगता है बड़े दिल वाला है। ये लो। हाँ खुश रहो। नमस्कार। इसकी तरह इसके 5 के नोट की भी उम्र हो गई है। परीक्षण करने आया इस जंगल में, पता नहीं क्या सांपों पर परीक्षण करेगा। लगता है किसी जहरीले सांप के पेट में जाएगा। हे शिव, इस मूर्ख की रक्षा करना। कहाँ से आ रही है? तुझे मालूम है कुछ? नहीं ना? जा मुझे बता। जा बेटी। पालकी। पालकी बोले तो? इस जंगल के मुखिया की बेटी पालकी। लेकिन ये कौन है? ये मेरा भाई कालू है। जय माँ काली। आराम से आराम से। एक बात पूछूं, तुम दोनों भाई बहन मिलकर इस पक्षी को क्यों पकड़े हो? इस पक्षी का मांस खाने में बहुत टेस्टी है। अच्छा, तुम्हें जो भी टेस्टी लगता है, जो भी अच्छा लगता है उसे उड़ा देती हो? अगर ऐसी बात है तो मेरे प्यार को भी उड़ा दो। आए हाय, आ गया ये परदेसी मुझे प्यार करने। बहना, मुझे ये कोई परदेसी लगता है। इस परदेसी का हाथ पैर बांध कर बंदी बना लेते हैं। ए प्यार करने वाले परदेसी, तुम में कितनी ताकत है, हम देखना चाहते है। हम एक शर्त करते हैं, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारी और तुम हमारे। मजाक नहीं कर रही हूँ, हार गए तो ये घोड़ा भी हमारा नौकर होगा। मगर मुझे क्या करना होगा? आप लड़ते हैं कुछ, सारे चीज छोड़ के देखते हैं कुछ। ए समझ में आई क्या? ताकत तो बहुत है मगर कुश्ती इस उम्र में? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। इस जंगल में जो भी आते हैं उसे हमसे पहले मुकाबला करना पड़ता है ना कालू? हाँ, जय माता दी। एक काम करते हैं, हम दोनों कुश्ती लड़ेंगे। अगर मैं हार गया तो तुम मेरे पीठ पर बैठ जाना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ तुम ऐसा करो, मेरे घोड़े पे एक राउंड लगाओ,
अगर तुम जीत गई तो तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, समझ गई? हाँ पुट्ठा डर गया। दीदी मामूली घोड़ा नहीं है। ए बूढ़ा, तुम अपने घोड़े के साथ क्यों बोल रहे हो? ए लड़की तेरा दिमाग खराब हो गया। मेरे मेरे पैर में दर्द है। नहीं वाली। जय माता दी। आराम से आराम से। घोड़ा भाग गया, बचाओ 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 बचाओ। अरे अरे अब क्या होगा? बैठ जाना। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है, चलो भागो यहाँ से, चलो चलो। हाँ अच्छा हुआ, थैंक यू वेरी मच। अरे ओ लड़की, थैंक यू। पालकी फूल लाने गई थी, अब तक वापस क्यों नहीं आई? पालकी फूल लाने गई थी, अब तक वापस क्यों नहीं आई? पालकी पालकी अरे ओ सुनील बाबू, अरे अरे इधर कहाँ चले आ रहे हो? रास्ता भूल गए हो क्या? हाँ इस जंगल का मुखिया कौन है? अच्छा तो आप यहाँ के मुखिया से मिलना चाहते हो? क्या तुम मुझे उस जंगल के मुखिया से मिला सकते हो? मुखिया से? हाँ मैं हूँ कोडिया, मुखिया का होने वाला दामाद। चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। चलो 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 आओ चलो आओ आओ। माँ काली की जय। माँ काली, माँ शेरावाली, जय माँ जगत जननी। तुम इस धरती पे इंसानों को जन्म देती हो और सर्वनाश भी करती हो। हम पर कृपा करो माँ, तुम हमारे वंश को आगे बढ़ाओ। कुछ दिन पहले एक ज्योतिषी ने बताया कि यहाँ पर एक आदमी आएगा जो यहाँ के पापियों का खात्मा करेगा। आज वो मुराद पूरी कर दो माँ। पालकी, ए लड़की, अरे हटो हटो, रास्ता छोड़ो। आइए आइए आइए। मुखिया जी, आपसे कोई बड़ा आदमी घोड़े पे बैठकर मिलने आया है। नमस्ते, नमस्कार। आइए 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 आइए। यही है हमारे मालिक। नमस्कार, मेरा नाम पंचमुखिया है। एक ज्योतिषी ने बताया था एक बड़ा आदमी आएगा, कुछ दिन हमारे साथ रहेगा। हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, कहीं आप वो तो नहीं? हाँ मैं ही हूँ। जय माता दी। आइए आइए। एक बात पूछूं क्या, आज कोई खास दिन है? नहीं नहीं, यहाँ का तो ये रिवाज है, पूजा पाठ चलता रहता है। ये माता भवानी का मंदिर है। आप लोग इस जंगल में शांति से रहते हैं ये देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, आप यहाँ तक पहुँच गए। चलिए चलिए आराम कर लें। हाँ हाँ चलिए 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 आइए। यही है हमारा घर। ये हम लोगों का घर है, आप आराम करें, अभी हम आपको खाने का इंतजाम करते हैं। सब ठीक है सब ठीक है। एक बात बताइए, आप लोग दिन गुजारने के लिए करते क्या हैं? हम लोग खेती बाड़ी यही करते हैं और मुर्गियों का शिकार करते हैं। इसका मतलब आप लोग आसपास के जंगलों में शिकार करते हैं? हम लोग शिकार के लिए दूर दूर जाते हैं, मगर पश्चिम की तरफ शिकार के लिए नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हो? अरे पश्चिम की में कोई पक्षी नहीं मिलते, वहाँ तो सिर्फ नाग लोगों का वास है, वो तो नाग देवता रहते हैं, नाग देवता की हम पूजा करते हैं। इस जंगल में रात होने पर सिर्फ दैत्य, पिशाच, भूत और सिर्फ नाग मिलते हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है, आप उस तरफ मत जाना। आपको कोई चीज की जरूरत हो तो आप हमसे कहिएगा, हम ला देंगे। आप आराम करें आराम करें। चलो रे चलो रे। ठीक है। ए पालकी थोड़ा इधर आ। आई आई बाबा। ए बाबू,
बाबू ये कालू हमारा बेटा है और ये हमारी बेटी पालकी है। ये हमारी बिटिया पालकी बहुत होशियार लड़की है। और मैं कैसा हूँ? ऐ तू चुप रह। तो देखने से पता चलता है कि तुम्हारी बेटी कितनी मस्त है, एकदम मस्त है। अरे अरे हमारी बिटिया बहुत होशियार है। जंगल में कौन सा पक्षी कौन सा जानवर ये जंगल के बारे में चप्पा चप्पा जानती है। ये पालकी बहुत होशियार लड़की है ना। अगर पालकी को सब कुछ मालूम है तो मुझे फायदा होगा। पालकी ये शहर से पक्षियों का परीक्षण करने यहाँ आए हैं, थोड़े दिन यहाँ रहेंगे। इनका खाने पीने का ध्यान रखना तुम्हारा काम है, समझी? अरे इधर आ, कहाँ जा रहा? पालकी क्या है बुड्ढे खुसर? पालकी मैं बहुत थक गया हूँ, पीने के लिए पानी लेकर आओ। यहाँ पीने के लिए बावड़ी का पानी और चाय के लिए बकरी का दूध। एक बात बताऊँ, तुम मुझे बकरी का दूध पिलाओगी तो भी चलेगा। ये सब मैं नहीं करती कोढ़िया। ठीक है ठीक है। पालकी कल को हमारी शादी होने वाली है, तुम इस शहरी बाबू से दूर ही रहा करो। ए कोड़िया मेरा नाम पालकी है और मैं यहाँ के मुखिया की बेटी हूँ। तुमसे ज्यादा समझदार मुझ में है, तू मुझे समझाने की कोशिश मत करो बेटा। इतने बड़े मूछ दाढ़ी वाले को बेटा कह रही हो? मेरे घर में जो झाड़ू लगाता है ना उसका स्टेटस भी तुमसे ऊंचा है। चल रे कालू। मेरे को ऐसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। पालकी तुम दोनों फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास मतलब? बेटा फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास मतलब? बेटा बहुत अच्छा। जय माता दी। आराम से पालकी, कल तुम मुझे जंगल घुमाने लेकर चलोगी? लेकिन पश्चिम साइड के जंगल में नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है। ऊपर तो नाग देवता का वास है, वो नागा लोग है, वहाँ हमारा जाना ठीक नहीं होगा। चल रे कालू। सुनो सुनो। क्या बात है बेटा, इस तरह तुम चीखे क्यों? कोई बुरा सपना देखा क्या? हमने जो मन्नत मांगा था वो पूरा हो गया है, इसीलिए सपने आ रहे हैं। नाग देवता का सपना आना कोई हैरानी की बात नहीं है, नाग देवता की कृपा से ही तो पैदा हुआ है। सो जा बेटा। ए, जल्दी आओ आओ संभाल के सब। लगता है बहुत बड़ी मछली फंस गई है। जल्दी। ए बुड्ढे, तुम इधर पक्षियों की परीक्षण करने आए हो या मछली पकड़ने? अब मैं मछली नहीं तुम्हें पकड़ूंगा। चल जा। जाओ मत, रुको रुको। ए रुको, कहाँ जा रही हो? ऐसा क्यों ऐसा क्यों करती हो? कभी झगड़ा तुम कभी लफड़ा तुम, छेड़खानी करके प्यार करती हो। बुड्ढे ऐसा क्यों वैसा क्यों छेड़ते हो? ऐसे न सताओ यू न रुलाओ, तुम ऐसा क्यों करते हो? Ha 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 ha!
हले 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 मन में प्यार जगा के दिल में फूल खिला के तुम क्यों मुझे सताती हो आई 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 ओ मन में प्यार जगा के दिल में फूल खिला के तुम क्यों मुझे सताती हो ऐसा क्यों करती हो पास क्यों ना आती हो ऐसा क्यों करती हो पास क्यों ना आती हो ए बुढ़ी ऐसा क्यों वैसा क्यों छेड़ते हो ऐसे नसता क्यों ना रुला तुम ऐसा क्यों करते हो करती हो कभी झगड़ा तुम कभी लफड़ा तुम छेड़खानी करके प्यार करती हो नागराज तुम यहाँ क्या कर रहे हो एमा जरूर कोई बात होगी तभी तो यहाँ पे आए हैं मुझे देखना पड़ेगा क्या बोलना चाहते हैं नहीं तो यहाँ पे क्यों आते हाँ जरा मैं देखता हूँ नागराज ओ टोकरी का ढक्कन खोलू अच्छा अब मुझे क्या करना चाहिए इतना ज्यादा माल हमको एक साथ कभी नहीं मिला था बस मजा ही आ गया समझो हमारा बॉस देखेगा तो बहुत खुश होगा पियो पियो खूब पियो <पियो। laughs>
अरे जीजा जी, आप लोग अचानक, ए गिरजा देख कौन आया है। इधर मेरा नागेश आया है क्या? यहाँ पर नहीं भैया, नागेश इधर नहीं आया, क्या बात है? हाय नागेश, कहाँ गया होगा? क्या बात है जीजा जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? साफ साफ कहो। क्या बताऊं शिव अप्पा, ये चिट्ठी मेरे प्रिय माता पिता, नमस्कार। हमारा नागराज मुसीबत में है। कुछ लोग नागों का विष और चमड़े का बिजनेस करते हैं। मैं उन्हें मुक्ति दिलाने के नाग के गुफा में जा रहा हूँ। मेरा नागराज बार बार मेरे पास आता था। वो मुझे बताता था कि नाग वंश खतरे में है। मुझे आशा है कि आप लोग मेरी मदद करेंगे, मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, तुम्हारा बेटा नागराज। क्या हो गया है नागराज को, इतनी छोटी सी उम्र में क्या करने निकला है? तुम्हारा बेटा जंगल में खो गया है तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाते? नहीं शिवप्पा, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से गलत भी हो सकता है। बेटा नागेश, बेटा नागेश, नागराज को तुमसे कुछ काम होगा, ये तुम्हें कुछ बताना चाहता होगा, इसीलिए नागराज तुम्हें अपना पूरा चेहरा दिखा रहा है, और इसीलिए उसे सपना दिखा रहा होगा और पूरा चेहरा दिखा दिया। नाग देवता कभी किसी का कोई बुरा नहीं करता, वो जरूर कोई कोई बात होगी तभी उसने अपना चेहरा दिखाया होगा। नाग देवता की कृपा से ही तो वो पैदा हुआ है, वो कभी कोई बुरा नहीं कर सकता। नागेश, तुम मुझे अकेले छोड़ के क्यों चले गए? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एक सांप का जहर निकालने में इतना टाइम, जल्दी करो। आप लोग बैठिए बैठिए। शुक्रिया। थैंक यू। मुझे 5 टन सांप का जहर चाहिए होगा हर साल। हाँ, मुझको भी 8 टन पॉइजन चाहिए, जितनी भी जल्दी हो सके। आपको 5, आपको 8 टन चाहिए। आप लोग तो ऐसे हुक्म कर रहे हो जैसे तेल निकाल कर देने की बात कर रहे हो। हमको पॉइजन निकालने में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कितने स्टाफ को काम पे लगाना पड़ता है, और आप यहाँ से जो माल लेकर जाते हो वो बाहर कितने में सप्लाई करते हो, मुझे सब पता है। आप मेरे पुराने कस्टमर हो, इसलिए मैं आपको पुराने रेट में दे रहा हूँ, मगर आगे से ये रेट नहीं चलेगा। नहीं, मुझे मंजूर है। ये 6 करोड़ एडवांस रख लो। थैंक यू वेरी मच। साहब, क्या हुआ? साहब, पकड़ कर क्या टोकरी में रखा था ना? मगर किसी ने वो सारे सांप बाहर निकाल दिया। तुम सब मिलके एक सांप को नहीं संभाल सकते हो? हाँ, किसने किया ये सब? हाँ बताओ मुझे, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुनो, गलती नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों ने जो गलतियां किया है उसे दिन रात मेहनत करके पूरा करो। जाओ मेरी आंखों के सामने से, जाओ। सुनो, अपने साथ मेरी बंदूक लेकर जाओ, इडियट। मुन्ना, इधर आओ। जी साहब। इन लोगों की बातों पर मुझे विश्वास नहीं है, किसी ने मेरे साथ गद्दारी की है। तुम जाओ, पता लगाओ, जाओ। अच्छा साहब। तो ये साला मरना नहीं चाहिए, ये तब तक जिंदा रहेगा जब तक बॉस इसको हंटर न लगाए। साला उस दिन कैसे हमको मार रहा था, आज देखो इसकी क्या हालत है। Thank you.
पेट भर गया। हाँ बहुत कुछ खा लिया हम लोगों ने, है ना? मेरा पेट तो भर गया है, अब दो दिन तक कुछ खाना नहीं पड़ेगा। चलो लीला, उधर बहुत डेंजर है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। नागा दस साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अब जाके तुम मिले हो। चल हट, छोड़ हट यहाँ से। हट जा रास्ते से, नहीं मानेगी तो। Oh,
बहुत हो गया नागराज, तुम कौन हो, तुम्हारे पीछे कौन शक्ति छिपी है? हाँ नागराज, मुझे सब मालूम पड़ गया है। हाँ बताओ, नागलोक का खजाना कहाँ है? वहाँ पर जाने का रास्ता कहाँ से है बताओ? मुझे मालूम है, तुम्हें वहाँ का रास्ता मालूम है, तुम्हें वहाँ का रास्ता नजर आ रहा है। बताओ वो रास्ता किधर से जाता है, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना? मैं तुम्हें वहाँ, अच्छा तुम्हें दिखाई दे रहा है नागराज, तुम मुझे वहाँ लेकर चलोगे? ले जाऊंगा। नागराज, तुम मुझे उस खजाने तक लेकर चलोगे, है ना? है ना? हाँ, मैं तुम्हें वहाँ नाग पूर्णिमा को लेकर जाऊंगा। तुम मुझे वहाँ लेकर चलोगे? मैं बहुत खुश हुआ। नागप्पा, नागराज, ये लो खीर खाओ, मैं अगले पूर्णिमा तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। तब तक तुम इधर ही रहोगे, हाँ मेरे पास, खीर खाओ। गौरी, नागराज, अरे नीला, तुम यहाँ? तुम घर में बिना किसी को बताए यहाँ चली आई? तुम्हारे घर वालों की क्या स्थिति हो रही होगी, तुमने सोचा है? अच्छा लीला, तुम यहाँ अकेले क्यों? नागेश कहाँ है? हम दोनों जंगल में चल रहे थे तो तांत्रिक ने पकड़ के लेके गए, हाँ दूर लेके गए। ये सब देखकर अपना नागराज चुप बैठा है क्या? मुझे लगता है ये सब नागराज को मालूम नहीं है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो उसे डर रहा था। अच्छा अब समझा, इसीलिए नागराज मुझे और गौरी को लेकर यहाँ आया है। नागराजा, तुम्हें पता है कि मेरा नागेश कहाँ है? अब तुम ही ढूंढ के लाओ, लेके आओ नागराजा। पंडित जी, अरे कौन है, कैसे आए? हाँ क्या हुआ? मैंने सोचा था एक साल बाद मंदिर का दरवाजा खोलूंगा, क्योंकि यहाँ कोई आता जाता तो है नहीं। क्या बात, सारे भक्त लोग एक साथ यहाँ क्यों पधारे हो? अब तुम लोग बोलो क्या करना है, मंगल आरती करनी है, कुमकुम आरती करनी है, या अभिषेक करवाना है? अभिषेक करना है, हमारा बेटा नागों को बचाने के लिए जंगल आया है, भगवान उसकी रक्षा करे, वो वापस आ जाए। क्या आपका बेटा नागों को बचाने गया है? वो तो जंगल गया ही है, उसके पीछे पीछे मेरी बेटी भी चली गई, वो दोनों सही सलामत वापस आ जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ भगवान से प्रार्थना करने आए हैं। उनके साथ कोई गया है क्या? बताइए क्या करूं? वो बंदूक वगैरह लेकर गए ना? अरे वो बच्चे हैं, कहाँ अपने साथ हथियार लेके जाएंगे। कैसे आदमी हो तुम लोग, संकट आने पर भगवान को याद करते हो? हर दिन मंदिर नहीं आ सकते हो क्या? जब मुसीबत आती है तो दौड़े चले आते हो, भगवान रोज तकलीफ दे ताकि रोज तुम लोग आया करो। ठीक है, मैं अभिषेक करता हूँ। जो भी मनोकामना लेकर आए हैं भगवान उसे जरूर पूरा करेंगे, भगवान हमारी संकट को दूर करेंगे, बच्चों को जरूर रक्षा करेंगे। माँ जी जैसा कहती हैं वैसा किया करो, सब ठीक हो जाएगा। ओम कारवंदे पाला, वो देखो नागराज उस बिल में जा रहा है। हाँ इधर ही है, चलो देखते हैं। लीला, लगता है अपना नागेश इधर ही है, इसलिए शायद नागराज हमें यहाँ लेकर आए हैं। नागराज, नागराज,
नागराजा, नागराजा, कोई आवाज नहीं आ रही है। अंदर जाकर देखना होगा। अरे लीला, इस पत्थर को हटाने में मेरी मदद करो। हाँ, मैं करती हूँ। लीला, ये पत्थर हटाने का काम हमसे नहीं होगा। हाँ, कुछ करते हैं, चलो। लीला, इस पत्थर को हम रस्सी से बांधेंगे तो? हाँ, दो नागराज मदद करेंगे। हाँ हाँ, नागराजा, तुम इस रस्सी को पूरे पत्थर में लपेट दो। नागराज, नागेश, कहाँ हो नागराज? नागेश, कृपाला, नागेश इस तरह से क्यों सोया हुआ है? नागेश को कुछ नहीं हो सकता, इस पर नागराज की कृपा है। तुम इसकी चिंता मत करो, तुम इसे पकड़ो। हम इसे बाहर लेके चलते हैं, चलो। गौरी, रास्ता छोड़ो। नागेश, 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 ये होश में क्यों नहीं आ रहा है? ये कुछ बोलता क्यों नहीं है? पता नहीं, ये नागेश इस तरह से क्यों सो रहा है? ये उठता क्यों नहीं? गौरी कोई दवाई लेकर आ रही है, इस दवाई को पीस कर लगाएंगे तो नागराज उठ जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। हाँ, नागराज लेकर गए थे हमको ना, तो अच्छा ही होगा ना। नागराज हमें यहाँ लेकर आए, इसीलिए यहाँ आए। वो लंगड़ा तांत्रिक चला गया क्या? हाँ, वो लंगड़ा तुम्हें बेहोश करके अपने गुफा में लेकर गया था। तुम्हें तो होश ही नहीं था। अरे छोड़ो, वो लंबी स्टोरी है, लो कपड़े पहन लो। हम
हमारा नागराज और गौरी की वजह से हमारा नागेश बच गया है ना कृपाला? पता है लीला, अपना नागराज ना चांद का वो लंगड़ा तांत्रिक हमारा नागराज को क्यों तकलीफ पहुंचाना चाहता था? इसका क्या मतलब हो सकता है? ये नागराज तो भगवान है ना, मगर उस लंगड़े को देखकर क्यों डर गए नागराज? हो सकता है उस लंगड़े को कोई तंत्र मंत्र आता होगा, इसीलिए शायद अपना नागराज डर रहा होगा। खैर अब हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो लंगड़ा ना दिखे। तुम दोनों को उसके चंगुल में नहीं फंसना है, तुम दोनों वापस अपने घर चले जाओ। नहीं नहीं जाएंगे। जिद मत करो लीला, इस जंगल में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। नहीं, मैं और कृपाला तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है ना कृपाला? तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो और हमें यहाँ क्या करना है? बस बहुत हो गया, चलो अब यहाँ से चलते हैं। कृपाला, इस जंगल में कुछ ऐसे लोग हैं जो नागों को पकड़कर उनका विष निकालते हैं, नागों को नुकसान पहुँचाते हैं, इसीलिए हमारा नागराज मुझे यहाँ लेकर आया। अच्छा, तो ये बात है। मुझे मेरे नागराज पर यकीन है, मैं उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो समझो दोस्त, मेरा एक हाथ तुम्हारे साथ है। अगर हम दोनों मिलकर एक साथ रहेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा। तो चलो दोस्तों, आज से हम हर मुसीबत में साथ रहेंगे। क्यों? इस कलयुग में भी भगवान है, यह देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। धन्यवाद नागराज, धन्यवाद। Oh!
तुम सब लोग मिलकर मुझे मारने आए थे, हाँ समझे? चलो एक दूसरे को मार दो, चलो चलो। ये लो खा लो, ऐसा खाना कभी तुम्हारे बूढ़े ने भी नहीं खिलाया होगा। ना, ना। लेकिन जिसका खाना खाओ उसे भूलना नहीं चाहिए, उसका ऋण भी उतारना चाहिए, है ना कालू? हाँ। पालकी, हम जो कह रहे हैं वो ये समझ रहा है। ऐसा नहीं किया ना तो अगले जन्म में गधे के रूप में पैदा हो जाओगे। ये सब ठीक है। जय माता दी। सुनो, ये बहुत समझदार है, इसको संभाल कर रखेंगे। हाँ हाँ, हम वो बात कर रहे हैं, अगर वो निशाने पे ना लगे तो इसका क्या मतलब? ये बात तो ठीक है पालकी, लेकिन कल से इस घोड़े का मालिक दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग कल से तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम यहाँ कहाँ से चले आए? मैं जिधर से चाहूँ उस तरफ कभी भी आ सकता हूँ, मुझ में इतनी शक्ति है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हारी कसम। अच्छा अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ, तुम दोनों भाई बहन मेरे घोड़े से बहुत बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे? उस दिन हमने वो शर्त लगाया था, शर्त में मुझे जिताए थे ना, इसके लिए हम इसे ट्रेनिंग दे रहे थे। हम लोग ट्रेनिंग दे रहे थे। हाँ। अच्छा, तो तुम लोग उसको ट्रेनिंग दे रहे थे, मैं सब देख रहा था। हाँ। तुम लोग उसका ख्याल रखना, तब तक मैं जंगल घूम के आता हूँ। अच्छा। जय माता दी। पालकी, आज पूरे दिन के लिए ये घोड़ा हमारा है। दादा, नागा, नागराज, नागा, कहाँ चला गया नागा? मेरे हाथ से निकल गया, मेरा सर्वनाश हो गया, जो फल मेरे हाथ तक आया था वो मेरे मुंह तक नहीं आया। नागा, 10 साल तक जिस लम्हा का इंतजार करता रहा वो लम्हा मेरे करीब आकर गुजर गया, मैं लुट गया। नागा, नागा, मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे को छूमता हूँ, मैं जानता हूँ इस जंगल को, मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकलने नहीं दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सोना, क्या हुआ सोना, रुक क्यों गए, क्यों रुक गए? आगे बढ़ो, चलो सोना, आगे बढ़ो, चलो चलो ना। जय माता दी। ये जो नहा रहा है ये वही बूढ़ा है, वही बाल, वही शक्ल। उसका दाढ़ी बाल और मुझे यहाँ क्या कर रहा है? गीला नौजा छोड़ के गए होंगे। हाय राम, ऐसे तो कभी देखा नहीं मैंने। अरे बाप रे, लेकिन कोई आदमी बाल दाढ़ी मुझे कैसे निकाल कर रख सकता है, क्या मालूम। हाय हाय हाय, दाढ़ी मुझे एक किसी बूढ़े का नहीं है, जरूर कोई जवान ही होगा। रहने दो, रहने दो।
ठीक है ठीक है, हाँ हाँ चलेगा चलेगा। ये तुम्हारे इस तरह भेष बदल कर मेरे घर में रहने का क्या मतलब? पालकी रुको, उस दिन तुम जो शर्त लगाया था वो शर्त मैं जीत गई। देखो तुम्हारा घोड़ा मेरा कहा सुनता है। अच्छा तो तुमने हाँ कह दिया ना, फिर प्रॉब्लम क्या है? इश्क मसीहा हुस्न की देवी, दोनों रथ के ऊपर बैठ के, रथ के ऊपर बैठ के जाएंगे, खुशियाँ दोगुना हो जाएगा, पिया मिलन हो जाएगा। इश्क मसीहा हुस्न की देवी, दोनों रथ के ऊपर बैठ के, रथ के ऊपर बैठ के जाएंगे, खुशी दोगुनी हो जाएगी, पिया मिलन हो जाएगा। स्वर्ग लोक के देवताओं ने हमारे लिए रास्ते में फूल बिछाया, आकाश हमारे जाने की खुशी में। स्वर्ग लोक के देवताओं ने हमारे लिए रास्ते में फूल बिछाया, आकाश हमारे आने की खुशी में। जब हम मिले, हाँ हम मिले, मन हल्का होगा, खुश होगा, आके मेरी बाहों में समा जाओगे, पिया मिलन हो जाएगा। इश्क मसीहा हुस्न की देवी, दोनों रथ के ऊपर बैठ के, रथ के ऊपर बैठ के जाएंगे, खुशी दोगुनी हो जाएगी, पिया मिलन हो जाएगा। मिल गई दुनिया मुझे, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी बंदगी, तू मेरा सजना, मेरा मितवा, मेरा दिलबर, मेरे प्रीतम, पिया मिलन हो जाएगा। इश्क मसीहा हुस्न की देवी, दोनों रथ के ऊपर बैठ के, रथ के ऊपर बैठ के जाएंगे, खुशियाँ दोगुना हो जाएगा,
पिया मिलन हो जाएगा। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? हम एक दूसरे को नहीं जानते, क्या हम दोनों जोड़ी बन सकते हैं? हाँ पालकी, मैं यहाँ एक इम्पोर्टेड काम से आया हूँ। वो काम पूरा होते ही मैं तुम्हें अपने गांव लेकर जाऊँगा, वहाँ हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अरे बाप रे बाप, ये ये क्या कर रहा है तू? तुम क्या समझते हो हम लोगों की कोई इज्जत नहीं होती? ये मेरी बेटी है, तुम क्या समझते हो है? इसको तुम शहर नहीं ले जा सकते हो क्योंकि हम यहाँ के मुखिया हैं। हम लोग जंगल में रहते जरूर हैं, मगर हम लोगों की कोई इज्जत होती है? तुमने हमारी बेटी के हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे की है? तुम लोग शहरी बाबू क्या समझते हो, तुम किसी के भी बेटी को हाथ लगा दोगे? हाँ मुखिया जी, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपकी इज्जत पर आंच आए। मैं पालकी से प्यार करता हूँ। हाँ, और पालकी भी मुझसे प्यार करती है, और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है चलो मेरे साथ, इजाजत देने का हक उसे है। जय नाग देवता, यही मेरे कुल देवता हैं। अगर इन्होंने हाँ कर दी तो यही शादी कराएंगे, मना करने वाला कोई नहीं है। उठाओ इस नाग को, चलो उठाओ नाग देवता को। उठाओ उठाओ। जय माता दी। मुखिया जी, अब तो आपको मुझ पर यकीन हो गया? ठीक है, अब मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। तुम इस नाग देवता की पूजा करना, इससे ही तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। मुखिया जी, मैं अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहता हूँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब जो होगा अच्छा होगा। ए कालू, जाओ जा करके ये खबर सबको दे आओ, हमारी पालकी की शादी होने वाली है। जाओ। जाओ मुंडा जाओ, उस नाग के बारे में पता लगा कर आओ, और अगर तुमने उसका पता नहीं लगाया तो मैं तुम्हें बलि चढ़ा दूंगा। जाओ। इधर क्या करने आया? अगर हमारे मालिक को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हैं? तुम्हारा मालिक मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरे हाथ में एक लड़का आया था जो नाग था, वो मेरे हाथ से निकल गया। मैं उसे ढूंढने निकला हूँ, अगर तुम अपने चार आदमियों के साथ उस लड़के को ढूंढने में मेरी मदद करो, उस लड़के को पकड़ कर लाओ तो मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा, और इतना ही नहीं मैं तुम्हें जंगल का मुखिया बना दूंगा। मुखिया? 1000 रुपया? क्या काम है समझाओ। 12-13 साल का एक लड़का और 10-11 साल की एक लड़की इस जंगल में घूम रहे हैं, हैं? अगर इस जंगल में जाकर तुम उन दोनों को ढूंढ कर पकड़ लो और पकड़ कर उन्हें मेरे हवाले कर दो तो पैसा दूंगा मैं, हैं? ठीक है, मगर थोड़ा एडवांस पहले ही मिल जाता तो काम फटाक से हो जाता। ये ले, अगर वो लड़का हमें मिल गया तो उस लड़के के जरिए नाग का जो खजाना है वो मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। हाँ, अगर वो नागों वाला खजाना मेरे कब्जे में आ गया तो नागमणि मैं रखूंगा और तुम्हें भी हिस्सा दूंगा। हाँ। ये मेरा सौभाग्य है, लक्ष्मी ने मेरे लिए द्वार खोल दिए। अरे भैया, तू
शराब पीने वाला, तंत्र मंत्र जाप करने वाला, तू मुझे भाई नहीं बुला सकता। तू इंसान नहीं, राक्षस है। मैं राक्षस नहीं, आपके जैसा इंसान हूँ और आपका अपना खून नहीं। मेरा खून कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने हमारे वंश का नाम खराब कर दिया, तुमने हमारे कुल देवता का अपमान किया। तुम सुधर जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल दिया। मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, लेकिन आज भी तुम्हारी नजर नाग देवता के खजाने पर है। वो खजाना मुझे बुला रहा है और देखना वो खजाना मुझे ही मिलेगा। वो भंडार तुम्हें बुला नहीं रहा है, अब तुम अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हो। मैं विनाश की ओर नहीं जा रहा हूँ। तो भंडार किसका होगा ये तुम अपनी आँखों से देखोगे भैया, अपनी आँखों से। रास्कल, तू मेरे पाले हुए कुत्ते अब किसी काम के नहीं रहे। ए विलियम, ये जो सारे बॉडी हैं सबको डेथ की मेडल डलवा दो। ऐसा मत करो साहब, एक मौका और दो साहब। अच्छा अपराक्ता, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो। हाँ, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? पहले तुम मुझे इन्फॉर्मेशन दिया करते थे कि किस गुफा में और किस जगह नाग है। तुम खुद भी मुझे नाग सप्लाई करते थे और मेरा हाथ बटाते थे, मगर जिस दिन से तुम्हें नाग ने डसा है तुम अपना पैर गमा दिए हो। अब तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे। मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करते हो तो। नाग देवता का जो भंडार है मैं तुम्हें वहाँ का रास्ता दिखा सकता हूँ। रियली? तुम सच कह रहे हो? अपने कुल देवता की कसम खा के कहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। ऑल राइट, क्या तुम अभी मेरे काम आ सकते हो? शहर से दो बच्चे आए हैं, एक लड़का है एक लड़की है। दोनों की उम्र 11-12 साल की होगी। वो दोनों इस जंगल में घूम रहे हैं, उन्हें पकड़ना है। मेरे कुछ आदमी उन्हें ढूंढ रहे हैं। तुम भी अपने कुछ आदमियों को उनके पीछे लगा दो। आने वाली पूर्णिमा से पहले मुझे वो लड़का चाहिए। ये तुम्हारे पैर जाने के बाद तुमने तंत्र मंत्र की विद्या सीख ली, उन बच्चों की बलि चढ़ानी है। बलि? मेरे बाज को बलि चाहिए, आप दोगे क्या? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भूलने की आदत नहीं। तुम जो कह रहे हो उसे करना होगा। अगर आपने वो लड़का पूर्णिमा से पहले मेरे हवाले किया तो उसके बदले 10 गुना माल देने को तैयार हूँ। 10 गुना माल। लड़का मिल जाएगा। फाइन, लीला कृपाला देखो ना कितनी प्यारी जगह है। हाँ नागेश, देखो चारों तरफ गुफा ही नजर आ रहा है। लगता है इसीलिए हमारा नागराज हमें ये सब दिखाने लाया है। बिल्कुल नहीं हो सकता, नागराज ये दिखाने नहीं लाया है। यहाँ जरूर कुछ हो रहा है। ये दिखाने के लिए नागराज हम सबको यहाँ लेकर आया है। नागेश, हम लोग उस गुफा के अंदर चलेंगे क्या? हे लीला, तू यहाँ वहाँ जाने की क्यों सोच रही है? तो उनसे हमें डरने की क्या जरूरत है? वो तो बच्चे है, हमारे साथ हमारा नागराज है। चलो। जय माता दी। ए कौन हो तुम लोग और इधर क्या कर रहे हो? ये भूत प्रेत की जगह है, इधर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। और तुम लोग भी यहाँ हिम्मत मत करना। हाँ, नहीं तो मारे जाओगे। मेरी बात मानना और यहाँ से आगे मत जाना। ए, कौन है तू? मेरा नाम कालू है, मैं जंगल के मुखिया का बेटा हूँ। अच्छा, ऊपर भूत पिशाच की ही जगह है, ये पुराने लोगों की अफवाह है, इसीलिए लोग आज तक ऐसा ही मानते हैं। तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? मुझको भी बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, उसके पास हम जाना नहीं चाहते हैं। ये बाज हमारे नागेश को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अच्छा, तो तुम लोग इस बाज से डर रहे हो? मैं इसे जानता हूँ। ये तो हमारे पहचान का तांत्रिक है, जो तंत्र मंत्र की विद्या जानता है। ए, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अब बताता हूँ तुझे नागराज, इसे भूत बनाकर छाट पर लटका दो। Thank you.
बता दी। नाग देवता की जय हो। अरे भागो भागो, तुम लोग कहाँ भाग रहे हो? अरे भागो भागो, अरे भागो भागो, अरे भागो तुम लोग उससे डर रहे हो? वो तो तांत्रिक का पक्षी है, डरो मत। तांत्रिक का? तांत्रिक का? वही लंगड़ा तांत्रिक? जानते हो, वो तांत्रिक एक बार तंत्र मंत्र से नीला पीला कर दिया था नागेश को। हाँ, तुम लोग क्यों डर रहे हो? हाँ? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं लेके चलूंगा वहाँ पे। अच्छा, अब मेरे समझ में आया कि तुम लोग क्यों डर रहे थे। तो अभी हम क्या करेंगे? तुम लोग चुप रहो, मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो, चलो मेरे साथ आओ। जय माता दी। हा? अबे तू वहाँ क्या कर रहा है? चल चल जल्दी चल, आजा। शाबाश मुंडा शाबाश, तो तुम ये पता लगाकर आ गए कि वो नाग कहाँ रहता है। चलो चलो उधर चलते हैं। हाँ चलो। तुम उससे नहीं बच सकते, मेरे पास आओ, मेरे पास। मैं यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर रहा हूँ। आराम आराम आराम। कृपाला लीला, जल्दी आओ जल्दी आओ, ये देखो लगड़ा गिर गया। मुझे गिरते देखकर तुम लोग हंस रहे हो, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, अभी बताता हूँ। जय माता। अभी तुम्हारा मालिक मुसीबत में है, वफादारी दिखा, जाकर उस नाग का पीछा करो, जाओ। पालकी, क्यों जा रहे हो? मुझे भी लेके जाओ ना। मैं तुम्हें वहां लेकर नहीं जा सकता, मैं एक खास मिशन पर जा रहा हूँ। तुम ही ना ये नाग का धागा रखो। ये क्या है? नाग देवता का धागा है, ये तुम्हारा रक्षा करेगा जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास मैं नहीं रहूंगी। अरे अरे अरे, तुम रो रही हो? क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें छोड़कर थोड़े ही जा रहा हूँ। अच्छा चलो पहनाओ, चलो। हाँ ये हुई ना बात, चलो हंसो, चलो चलो हंसो। मेरी चाल है? अरे ये तो मंजा है, अपने तांत्रिक का मंजा। लगता है तांत्रिक किसी मुसीबत में है, इसलिए मंजा हमें लेने आया। चलो चलकर देखते हैं।
पंडित जी, आप यहाँ आप अकेले इस जंगल में? ओहो, पक्षियों का निरीक्षण करने वाला, आप यहाँ पक्षियों का निरीक्षण करने चले आए? पक्षियों का निरीक्षण, शुभम अस्तु। मैं तो पक्षियों का निरीक्षण करने आया हूँ, लेकिन आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो इस गुफा में? मैं नागलिंग की पूजा करने के लिए हर सोमवार को एक फूल लेने आता हूँ। इस फूल को लेने के लिए मैं अपनी जान हथेली पे रख कर आता हूँ, मगर आप इस उम्र में सिर्फ पक्षियों का निरीक्षण करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा कर आए हो। ये देख कर मुझे बड़ा बड़ा आश्चर्य हो रहा। सचमुच तुम बहुत हिम्मती आदमी हो, भगवान तुम्हारा भला करे। आश्चर्य, शुभ अस्तु। अब पक्षियों का निरीक्षण करने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि पक्षी कहाँ कहाँ रहते हैं, का घोंसला कहाँ कहाँ होता है। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब करने के लिए भला कोई अपनी जान जोखिम में डाल सकता है? ये जगह भूत पिशाच के लिए बहुत ही मशहूर है। वो सब तो ठीक है, मगर क्या आपको अकेले में भूत प्रेत से डर नहीं लगता? भूत पिशाच का राजा है वो हमारा भगवान है, मैं उसका पुजारी हूँ, इसलिए मुझे भूत पिशाच से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे वंश में जो भी पैदा होता है उसके हाथ में बाज होता है, इसलिए भूत पिशाच नाग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान। भगवान भी पहले इंसान बनकर पैदा होते हैं। तुम मेरी बात का ध्यान रखना, यहाँ से एक कदम भी आगे जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो जान को खतरा है। सही कह रहे हो। तुम्हें क्या हुआ? ठीक है, आप जैसे महाज्ञानी की बात अगर मैं इस उम्र में नहीं सुनूंगा तो नुकसान मेरा ही है। अब इस जंगल में रहने वाले पंछियों को एक बड़ा सा प्रणाम, मैं आता हूँ, नमस्कार। फिर यहाँ आता हूँ ऐसा मत बोलो, फिर कभी नहीं आऊंगा ऐसा बोलो। आ गए तुम मुंजा, शाबाश। तांत्रिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ गिरे कैसे? मुंजा, जल्दी निकालो, मुझे निकालो। कुड़िया, शहरी बच्चों के साथ तुम्हारा कालू भी मिल गया है। उन लोगों ने मेरी जो बेइज्जती की उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये सब जाने दो, मगर आने वाली पूर्णिमा से पहले मुझे वो नाग किसी भी हाल में चाहिए होगा। तुम इसके लिए टेंशन मत लो, मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। मेरे हाथ में उन नाग का बच्चा तो आ जाने दो, मैं तो। तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, कल की सुबह होने से पहले वो नाग हर हाल में हमारे हाथ में होगा। शाबाश कुटिया। नाग के खजाने में से एक हिस्सा तुम्हें भी मिलेगा। चलो। तुम लोगों को पता है इस जंगल में एक बस्ती है, वहाँ रात के अंधेरे में भूत आता है और किसी को भी अकेला देख कर उसे उठा कर ले जाता है। तुम हमें वहाँ लेकर चलोगे ना? बताओ ना। नहीं, मैं तुम्हें ऊपर नहीं ले जा सकता, अगर वहाँ लेके जाऊंगा तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। हाँ प्लीज कालू, हमें लेकर चलो ना वहाँ। नहीं, मैंने सुना है कि वहाँ जो भी जाता है वो मर जाता है। तुम डरो मत कालू, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है चलो। जय माता दी, जय माता। तुम घर चली जाओ, यहाँ कदम कदम पर खतरा है। संभल कर आओ।
नहीं नहीं, मैं तुम लोगों के हाथ से निकल गया इसलिए तुम लोगों को यह सजा मिली है। आप कौन है? भार्गव। यस, पुलिस इंस्पेक्टर भार्गव। मैं चाहूं तो अभी भी तुम लोगों को अरेस्ट कर सकता हूं, लेकिन तुम लोगों को अरेस्ट करूं या तुम लोग खुद सरेंडर करोगे, इन दोनों बातों में फर्क है। देखो, अगर तुम लोग अपने आप को सरेंडर करते हो तो मैं सिफारिश करके, ठीक है सर, तुम लोगों की सजा कम करवाने की कोशिश कर सकता हूं। बोलो, क्या बोलते हो? बोलो, तुम सच बोल रहे हो? वो कहां मिलेगा हम तो नहीं जानते, लेकिन वो हर शाम जंगल में जरूर आता है। मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा। नागेश, बहुत जोर से भूख लगी, कुछ खाना है? कालू, ऊपर पीने के लिए कुछ मिलेगा क्या? इधर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे, इसके लिए परेशान होने की क्या बात है? मेरी गौरी से कहो, वो तुम लोगों को दूध देगी। चलो चलो, आगे चलो। हाँ, ठीक है। ए गौरी, लीला को प्यास लगी है, उसे जरा दूध पिला दे। वाह, मेरी प्यारी गौरी। वाह 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 वाह, तुम भी पियो कालू। ए गौरी, जरा नागराज को भी पिला दे। वाह, अब थोड़ा मैं भी पी लेता हूँ। रुको, अब मैं भी पी लेता हूँ। हुआ, तुम लोग थक गए क्या? इस जगह को नाग पर्वत कहते हैं। माँ काली बोल के भूत प्रेत इधर से गायब हो जाते हैं। जय माँ काली। माता का नाम लो, सुरक्षित पहुँच जाओगे। ऐसी बात है तो हम लोग भी उनके साथ नहीं जा सकते हैं क्या? हमें मालूम नहीं है, भूत हमें मार डालेंगे। अरे कालू, इस नदी को हम कैसे पार करेंगे? हाँ, तुम चुप रहो, इस नदी में एक और मुसीबत है, इसमें एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता है। हाँ, अब हम लोग तैयार हो जाते हैं नदी पार करने के लिए। कालू, जब हमें इस नदी को पार करना ही है तो हमें कोई ना कोई प्लान बनाना होगा। देखो, कुछ लोग आ रहे हैं, चलो हम लोग छिप जाते हैं। हाँ, चलो चलो। ये कैसी आवाज आ रही है? अच्छा, यहाँ रख दो, चलो। हाँ, लगता है वहाँ बाघ है, चलो मिलके उस पर फायर करते हैं। अगर बाघ मारकर चमड़ा बेचेंगे बहुत पैसा मिलेगा। हाँ हाँ, चलो उधर ही चलते। बाघ हमारे हाथ से निकल गया।
बाघ को मैं मारूंगा चिल्लाओगे तो बाघ मरने के लिए खड़ा रहेगा, भाग नहीं जाएगा। चलो अपना सामान उठाकर चलते हैं। टोकरी कुछ ज्यादा भारी लग रही है। चलो सुनो, तुमने इन लोगों को क्यों मारा? कौन हो तुम? वेरी गुड, कितना माल लाए हो? बहुत ज्यादा पास। ठीक है, टोकरी खोल कर दिखाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका मतलब कि हम लोग जो ऑर्डर मिला है हम उस ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं। यस बॉस। ठीक है, लेकिन तुम लोग केयरफुल रहना। इंस्पेक्टर भार्गव इस जंगल में आ चुका है। वो यहाँ पक्षियों को निरीक्षण करने के बहाने हमारे बारे में इंक्वायरी निकाल रहा है। ऐसा हमको इंफॉर्मेशन मिला है कि ये बहुत दिनों से मुझ तक पहुंचने की फिराक में लगा है। गो। भार्गव, वो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। हम उसे कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। कोई गड़बड़ मत करना, वो लोग आसपास ही है।
अरे संभल कर, चलो जल्दी आ जाओ बाहर। जय माता दी। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? सुनो मेरी बात सुनो। तुम लोग भाग क्यों रहे हो? फाइन, हम लोग तुम तक पहुंच गए। वो दरिंदे तुम ही हो जो नाग कुल को खत्म कर देना चाहते थे। तुम ही वो शैतान आदमी हो जो नागों का जहर बेचकर अपने देश से गद्दारी कर रहे हो, और अब तुम्हारा टाइम फिनिश हो गया है। नाग कुल का सर्वनाश करने वाली पापी, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पैसे की लालच में तुम लोग हमारे नाग देवता का सर्वनाश कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ए, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। अब तुम शेर के बच्चों के हाथ लग चुके हो। अब तक नाक का जहर निकालते थे, अब तुम्हारे जिस्म से खून निकालेंगे। मारो मारो इसे, मारो 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 और मारो मारो इसे। चलो हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म करके आते हैं। चलो। हाँ चलो। मैं तुम लोगों को बच्चा समझ के कुछ नहीं कर रहा था, मगर तुम लोग ज्यादा होशियार हो, अभी बताता हूँ। मैं तुम लोगों को बच्चा समझ के कुछ नहीं कर रहा था, मगर तुम लोग ज्यादा होशियार हो, अभी बताता हूँ। Oh!
मिस्टर भार्गवा, अगर तुमने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो हम इन बच्चों का सर अलग कर देंगे। विलियम, ये तुम हथकड़ी खोल रहे हो या नहीं? तो ये तुम्हारे डिपार्टमेंट का कहना, तुम्हें मुबारक हो। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। जो भी ठान लेता हूँ उसे पूरा करके रहता हूँ। ए, हम तुम सबका सर्वनाश करने आए हैं। साले, एक हाथ के है और मेरा सर्वनाश करने आयो? ए, बच्चे को हाथ मत लगाना, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। ए, बास्टर्ड, मैं सांप का जहर निकालता हूँ और जब तक जहर नहीं निकलता मैं उसे नहीं छोड़ता। ए जगदीश, इस बच्चे को छोड़ दो। ए तांत्रिक, ए तांत्रिक, तुम जिन बच्चों को ढूंढ रहे हो ये वही तो नहीं है? मुझे यही बच्चा चाहिए था, मुझे इसी बच्चे की तलाश थी। ए, ये बच्चा मेरा हुआ, बाकी से तुम समझो। ऑल राइट तांत्रिक, तूने इतने दिनों कहाँ था, क्या कर रहा था? मुझे सब मालूम है कि वो नाक का खजाना कहाँ है। तुम कैसे कह सकते हो कि ये खजाना इस बच्चे की वजह से मिलेगा? देखना चाहोगे? ये क्या है, इस बच्चे की पीठ का निशान क्यों दिखा रहा नाक का निशान? मौ, मैंने सुना है जिसके पीठ पे नाक का निशान होता है, अरे उसे तो पूरा का पूरा नाक का खजाना दिखाई देता है। ए तांत्रिक, ये बच्चा मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, मगर ये नाक का जो खजाना मिलेगा उसे हम दोनों 50-50 बांट लेंगे। मंजूर है, ठीक है, चलो इस बच्चे को लेकर मेरे पीछे आ जाओ। आओ, रुक जाओ। विलियम, ये पुलिस इंस्पेक्टर, इस इंस्पेक्टर और इन बच्चों को जीप में बांधकर जला दो। ठीक है बॉस। नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम लोगों की समाधि बना दूंगा। तांत्रिक, तांत्रिक, आखिर ये बच्चा तुम्हें मिल गया ना? इस बच्चे को ढूंढने में मैंने भी काफी मेहनत किया है, इसलिए मुझे भी नाक के खजाने में से कोई हिस्सा मिलना चाहिए। हिस्सा? तू टेंशन क्यों लेता है, पहले दो हिस्सा था, अब तीन हिस्सा हो जाएगा। हिस्सा चाहिए, ये लो। Oh, my God.
माता दी। रुक जाओ। तुम्हें नाग के खजाने का हिस्सा चाहिए था ना? ए बच्चे, इधर आ, चल। नागराज, ए नागराज, अभी तो हम आपकी पूजा करने बैठा था, आप इधर क्या करने आए हैं? हम तो आपके सेवा में हैं। आप क्या बताना चाहते हैं? आप कहाँ जा रहे हैं नागराज? आप क्या बताना चाहते हैं? हे नागराज, ये क्या हो रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, अभी हटाता हूँ। अरे अरे, ये तो सुरंग है। मालूम होता है नागराज कुछ हमें दिखाना चाहते हैं। अरे नागराज, आप कहाँ लेके चल रहे हैं? आप आगे आगे चलिए, मैं आ रहा हूँ पीछे पीछे। पालकी, मैं नागेश को लेने जा रहा हूँ, तुम इन बच्चों का ख्याल रखना। तुम्हें तो चोट आई हुई है। नागमणी, मुंजा, नागमणी मिल गया, मुंजा, नागमणी मिल गया, मुंजा, ये सारा खजाना मेरा है। अच्छे, इस खजाने का मालिक मैं हूँ। दुनिया में किसी के पास इतनी दौलत नहीं है। दुनिया में इतनी दौलत किसी के पास नहीं। आज से मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। ए पापी राक्षस तांत्रिक, ये खजाना तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये खजाना तो नाग देवता का है और नाग देवता का ही रहेगा। नाग देवता की कृपा से जो बच्चा पैदा होगा, इस नाग के खजाने पर सिर्फ उसी का हक होगा। ए भैया, आप यहाँ कैसे आ गए? इस खजाने के मालिक चांदी के नागराज ही मुझे यहाँ लेकर के आए हैं। चांदी नागराज?
चांदी नागराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज से ये खजाना मेरा है। तुम अपने दिमाग से निकाल दो कि ये खजाना तुम्हारा है। मेरे अरमानों पर पानी फेरने की कोशिश मत कर। ये दौलत अब मेरी है। बीच में आए तो मैं तेरी जान ले लूंगा। देख लिया कैसे नागराज ने मुझे बचाया। मंजा इस नाग को खत्म कर दो। तुम एक वफादार पक्षी हो मगर इस राक्षस ने अपने तंत्र मन से तुम्हें अपना गुलाम बना रखा है। तुम यह गलत काम मत करो। मैं तुम्हें इसकी गुलामी से आजाद करता हूँ। जाओ जिसने तुम्हें अपना गुलाम बनाया है आज तुम उसे खत्म कर दो। मंजा ये क्या कर रहा है। मंजा 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 ये क्या कर रहा है। मंजा मुझे छोड़ दे। मंजा नहीं क्या बड़ा इतने सालों से मैं इस जंगल में राज कर रहा हूँ। इस जंगल में रह रहा हूँ। इस खजाने का असली मालिक मैं हूँ। आज ये खजाना मेरा हुआ। अरे अरे मेरी आंखें मुझे कुछ दिखता नहीं। जगदीश नागराज। बाबा लीला देखो नागराज हमें कहाँ लेकर आया है। हाँ वही तो देख रही हूँ। बच्चों ये नागवंश का राजा है और इस बात पर तुम्हें यकीन करना होगा। जय माता दी। बेटा नागेश इस खजाने के असली मालिक तुम हो। नागराज ये तुम्हें देना चाहते हैं। तुमको जितना भी खजाना चाहिए इस नाग के खजाने से तुम रत्न ले सकते हो। जितना जी चाहे खेल सकते हो। जिसको तुम देना चाहते हो दे सकते हो। ये नाग रत्न है जो बाहर कहीं नहीं मिलेगा। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए नाना जी। नागराज की कृपा रहे ये मेरे लिए अच्छा है। ये सब कुछ नागराज ने तुम्हारे लिए रखा हुआ है ले लो। लो बेटा।
हरि ओम शिवाय नमः 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 दादी जी आपके बच्चे लोग सही सलामत वापस आ गए हैं। ये सब पूजा का फल है। आरती की थाली में दक्षिणा ठीक से डालो। हाँ डालते जाओ, हाँ डालते जाओ, हाँ डालते जाओ, ठीक है डालते जाओ, तुम भी डालो, हाँ तुम भी डालो, भगवान तुम्हारा सबका भला करे। अरे डालते जाओ, जल्दी डालो, हाँ। अरे जो हथकड़ी चोर लोगों को पहनाना चाहिए वो मेरी थाली में किसने डाला है? कौन है वो? पक्षियों का निरीक्षण करने वाला कौन है तुम? इंस्पेक्टर भार्गव, मिस्टर धर्म रत्नाकर राव राजा राम। मेरा नाम शिवलाल है। गांव के सारे लोगों को मेरा नाम मालूम है। लोकल लोगों को आपके बारे में इतना ही मालूम है लेकिन मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। आप यहाँ के लोगों को धोखा देते हो इंस्पेक्टर। इस पंडित के दो रूप हैं, एक पंडित का, दूसरा नाग वंश का सर्वनाश करने वाला चोरों का राजा। नाग के दांत में सिर्फ जहर होता है मगर इसके पूरे शरीर में जहर भरा हुआ है। यह है इसका असली रूप, नाग कुल का सर्वनाश करने वाला रघुराम रत्नाकर राव राजा राम। ये अपने फायदे के लिए देश को भी बेच देते हैं। ये देश के गद्दार हैं। ले जाओ इन्हें, जाओ। कभी कभी दुनिया में ऐसी विचित्र घटना हो जाती है जिसका हमें अंदेशा नहीं होता। भगवान के सामने हाथ जोड़ने के पीछे क्या मतलब है? सर, हाँ? मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहो बेटा। खजाने से मुझे कुछ नागमणि मिला है, आप ये नागमणि किसी अकालग्रस्त देश की सेवा के लिए दे दो। गुड, वेरी गुड। हर साल बच्चों को जो पुरस्कार दिया जाता है मैं अपनी तरफ से सिफारिश करके इस साल वो पुरस्कार सरकार से तुम्हें दिलाऊंगा, समझे?